क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर प्रतिदिन आपसे बातें करके आपको बुद्धि देना चाहता है? वो अपने प्रेम और सामर्थ्य से आपको बल देना चाहता है। इसे करने के लिए प्राथमिक रूप में वो बाइबल का उपयोग करता है। लेकिन बाइबल सच में क्या है? परमेश्वर उसके द्वारा आपसे बातें कैसे करता है और आपके जीवन में बाइबल क्या फर्क लेकर आती है? हमारे साथ में जुड़ जाइए जैसे इन सवालों पर हम चर्चा कर रहे हैं जॉन एंकरबर्ग शो के इस सेशन में। स्वागत है। आज हमारा विषय है बाइबल क्या है, इसमें क्या भलाई है, अगर इसे पढ़ेंगे तो आपके साथ क्या होगा। ठीक है, मैं हूं जॉन एंकरबर्ग और मेरे मेहमान हैं सुंदर कृष्णन और इनकी पत्नी श्यामला। यानी जब आपने यीशु को अपने जीवन में पहली बार आने के लिए न्योता दिया, यानी अब लोग कहते हैं बाइबल पढ़िए, तो आप इस किताब को लेते हैं और इसे देखते हैं जो कि बाइबल है, और आप कहते हैं मुझे इस बाइबल में क्या मिलने वाला है और आप क्या अपेक्षा करते हैं कि क्या होगा। खैर, बाइबल क्या है? आप जानते हैं, यह शायद एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें मैं पूरी तरह से आश्चर्यचकित था। डेनिश दार्शनिक सोरेन केकेगार्ड ने कहा, जीवन आगे की ओर जिया जाता है पर समझा अतीत से जाता है। अब मैं जानता हूं कि मेरे साथ क्या हो रहा था, हालांकि उस समय मुझे समझ में नहीं आया। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया था, दरअसल जब मैं यीशु का अनुयायी बना उससे पहले ही मैं इसे पढ़ रहा था। और फिर मैंने सबसे आश्चर्यजनक जीवन परिवर्तनकारी एक शानदार खोज की। मैं वास्तव में अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था साथ खेलने के लिए, और मैं कचरे में फेंकने के लिए रखी पुस्तकों के एक समूह में बस यूं ही छानबीन कर रहा था। मैं बस समय निकाल रहा था, और हुआ यूं कि उस कचरे के ढेर से मुझे एक कमेंट्री मिली जो कि रोमियो की पत्री, जो संत पौलुस ने, जो प्रारंभिक चर्च के अगुए थे, कलिसिया को मसीही सच्चाई को समझाते हुए लिखा था। और मैं इससे बहुत प्रभावित हुआ, और चूंकि यह किताब फेंकने के लिए रखी गई थी, मैंने इसे उठा लिया और पढ़ना शुरू कर दिया। और हर रात मैं रोमियो की इस किताब का अध्ययन करने में एक दो घंटे बिताता था। किसी ने मुझसे कहा नहीं था कि मुझे बाइबल पढ़ना चाहिए, मुझे अध्ययन करना था, और परमेश्वर यहाँ कार्यरत थे। और खूबसूरत बात यह रही कि जो विश्लेषणात्मक दिमाग परमेश्वर ने मुझे दिया था वह काम करने लगा। जैसे जैसे मैं पढ़ने लगा, मुझे समझ आने लगा कि यीशु क्यों आए, वास्तव में क्या हुआ, और यह काफी रोमांचक था। मैंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ये 54 साल पहले था, और इन 54 वर्षों के लिए मैंने बाइबल को सिखाना, अध्ययन करना और प्यार करना जारी रखा। लोग पूछते हैं, वो आपको सुनकर कहते हैं, जानते हैं मैंने बाइबल पढ़ी है लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे लिए किसी काम की है। यह ऐसा क्यों है कि यह उन लोगों के लिए कुछ नहीं करती जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं, और इसने ऐसा कुछ क्यों किया जो कि आपके लिए किया है? मुझे लगता है कि कई प्रकार के उत्तर हो सकते हैं, क्योंकि कभी कभी हम में कुछ प्राकृतिक वरदान हो सकते हैं जो बाइबल के अध्ययन के पूरे दृष्टिकोण में एक तरह से सॉकेट का काम कर सकते हैं, जैसे मेरे साथ हुआ। अन्य मामलों में क्या होता है, लोग सोचने में गलती कर देते हैं। ठीक है, बाइबल का अध्ययन करने का केवल एक ही तरीका है, छात्र बनना है, आपको कमेंट्री खरीदनी है, आपको ग्रीक और हिब्रू सीखना है, जो सच में नहीं है। क्योंकि मैंने जो दूसरी बात समझी वो यह है कि परमेश्वर का वचन स्वयं को मुख्य रूप से जानकारी के कन्वेयर के रूप में वर्णित नहीं करता, बनिस्पत यह खाद्य पदार्थों के रूपकों का इस्तेमाल करता है। बाइबल रोटी है, बाइबल पानी है, बाइबल शहद है, और फिर सबसे महत्वपूर्ण, बाइबल जीवित परमेश्वर की आवाज़ है जो हमसे बात करती है। और इसलिए उन लोगों को मेरा प्रोत्साहन जो ये कहते हैं, दरअसल मैंने बाइबल को कभी इस तरह देखा ही नहीं। मैं कहूंगा आपके बाइबल को देखने का नजरिया बदले। मैं यहाँ पर एक और बात कहना चाहता हूँ, और वो ये है कि मैंने पाया कि बहुत से लोग मुझसे ये कहते हैं कि मैंने बाइबल पढ़ी और इससे मुझे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। और फिर मैं अपने आप सोचने लगा कि क्या उन्होंने कभी यीशु से कहा है कि वो उनके जीवन में आ जाए, कि यीशु उनकी मदद कर सके, कि वो उसके वचन को समझ सके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जानते हैं जो भी बाइबल पढ़ता है वो एक विश्वासी ही है, लेकिन मैं हमेशा ये पूछना चाहता हूँ, अगर आपको वचन को समझने में कोई परेशानी हो रही है तो फिर क्यों ना सबसे पहले आप ही उसके साथ में व्यक्तिगत संबंध बनाएं और कहें कि मैं तेरे पीछे चलूंगा। और अगर आपने ये उससे पहले ही कह दिया है तो यीशु से मदद मांगिए, क्योंकि ये तो उसकी किताब है। सही कहा, प्रेरित पौलुस 1 कुरिन्थियों 2 में लिखते हैं, वे कहते हैं शारीरिक मनुष्य, जिसका मतलब मनुष्य अपने प्राकृतिक अवस्था में परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकता। तो आपने जो कहा वो काफी निर्णायक है कि हमें पहले आत्मिक मनुष्य बनना होगा, अर्थात ये नहीं कि सिद्ध या
संपूर्ण, बल्कि यह कि उनमें परमेश्वर का आत्मा जीवित है। और यही होता है जब हम अपने उद्धार के लिए ईश्वर पर भरोसा कर उनके निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। वे कहते हैं, मैं आत्मा में तुम्हारे साथ रहूंगा। और अब हमारे भीतर मसीह का आत्मा वास करता है। उन्होंने कहा, यह सच्चाई आत्मिक रूप से ही समझी जा सकती है, और इसलिए हमारे लिए आवश्यक है कि हम पवित्र आत्मा से परमेश्वर के वचन को समझाने के लिए कहें। भजन संहिता में भजन 119 में एक आयत है जो कहता है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। हमें पवित्र आत्मा के लगातार प्रकट होने वाले काम की ज़रूरत है, इन महज स्याहिदर शब्दों को समझने के लिए, कि यह परमेश्वर की आवाज़ बन जाए जो वास्तव में हमसे बात करे। जी श्यामला, जानते हैं ये ऐसा क्यों है कि स्त्री और पुरुषों को परमेश्वर का वचन पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, हर दिन पढ़ना है। जैसा सुंदर कह रहे थे, मैं सोच रही थी उन दो व्यक्तियों के बारे में जो इमोस के मार्ग पर यीशु के जी उठने के बाद वहाँ थे, और ऐसे कहा गया है कि जब उन्होंने शास्त्र खोला उनके हृदय उमड़ने लगे, वास्तव में उनके हृदय उनके भीतर ज्वलित होने लगे। और इसलिए यदि आप इसे एक धार्मिक पुस्तक के रूप में पढ़ेंगे तो उतना ही रहेगा जानकारी के लिए, पर अगर आप मन में ये ठान कर पढ़ते हैं कि ये जीवित परमेश्वर की आवाज़ है जो मुझसे बात कर रही है, तो कौन सुनना नहीं चाहेगा। तो वे पवित्र आत्मा द्वारा आपको वचन समझाएंगे, तब सही सही मायने में आपका हृदय ज्वलित होगा। और मुझे ये समझने में काफ़ी समय लगा, जैसा आपने भी कहा कि आप यीशु का अनुसरण करने जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, सभी चीज़ें सटीक बैठ जाएंगी। समय के साथ साथ आप समझना शुरू करते हैं और ये भी समझते हैं कि पवित्र शास्त्र क्या है, और वे वास्तव में परमेश्वर के हृदय को प्रकट करते हैं। और वहाँ बहुत सी कहानी है, बहुत सच्चाई है, पर इन सबसे बढ़कर जिस बात ने मेरे हृदय को मोड़ा वो था इस परमेश्वर की खोज करना, इस यीशु की। अब जिसके पीछे मैं चलती हूँ उनका हृदय मेरे लिए, उनका हृदय पड़ोसियों के लिए, मेरे पड़ोसी दुनिया के लिए उनका हृदय। और मुझे लगता है कि सिर्फ ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप पढ़ते हैं, लेकिन आप इसे कैसे पढ़ते हैं या जिस दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए आते हैं। तो अब जब भी मैं पवित्र शास्त्र खोलती हूँ, शुरुआत में ये कहकर करती हूँ, पवित्र आत्मा मैं आपकी आवाज़ सुनने के लिए यहाँ हूँ। मुझे इस तरह सोचना पसंद है, जैसे कहते हैं परमेश्वर का वचन, तो सोचिए इसका मतलब क्या है। ये वो है जिसने कहा और पूरा संसार अस्तित्व में आ गया, वो जो अभी सारी बातों पर नियंत्रण करता है, जिसने सारे संसार को बनाया है। मैं मूसा और इसराइली लोगों के बारे में सोचता हूँ, और वो सीनै के पास में जाते हैं और परमेश्वर कहता है, इस पहाड़ को छूना भी नहीं, नहीं तो तुम मर जाओगे। और वो परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकते थे। और जब यीशु उस पहाड़ पर था और अचानक वहाँ पर आकाशवाणी हुई और उसने कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ, तुम इसकी सुनो। यानी देखिए, अगर हम पहाड़ पर किसी जगह पर ऊपर खड़े हैं और अचानक ऊपर आसमान से आकाशवाणी होती है, जानते हैं मैं परमेश्वर हूँ, तुम इसे सुनो, एक सार में, ये तो 66 किताबें हैं, ये सब एक किताब में जिसका नाम है बाइबल। परमेश्वर कहता है, ये तो मेरी जानकारी है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। इसमें लोगों की असफलता के बारे में हर तरह की कहानी है, और इसमें क्षमा के बारे में है, और इसमें युगों में परमेश्वर की योजनाएं हैं, और इतिहास कहाँ जा रहा है, ये बताती है कि यीशु क्यों आया है, वो कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया है। ये तो हमारे लिए भोजन है कि हम प्रतिदिन बढ़ते जाए और विश्वासी मजबूत होते चले जाए। और शायद आप इस बात के बारे में हमें और भी ज़्यादा बता सकते हैं, ये बात, हमें परमेश्वर के वचन की ज़रूरत है कि हम प्रतिदिन आत्मिक रूप में जीते चले जाए, ये हमारे लिए बहुत कुछ करता है। आत्मिक रूप में इनमें से कुछ बातें बताइए। देखिए, जो आयत तुरंत मेरे दिमाग में कौंते हैं वह भजन 19, जहाँ भजनकार परमेश्वर के विधियों के विषय बात कर रहा है। वह इस विधियों से प्रेम करता है। हम में से अधिकतर बाइबल के विषय में सोचते हैं, ओ यह करनी और न करनी की किताब है, और मैं इसे पढ़ने के बाद और अधिक दोषी महसूस करता हूँ, जबकि वास्तव में वह विधियों के वर्णन हेतु 6 अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करता है। वह इसे पूरी तरह प्रभावित है। वह कहता है कि परमेश्वर के नियम परिपूर्ण या व्यापक है, और वह मेरी आत्मा को बहाल करता है, ये एक प्रकार से संगठित करता है। जानते हैं, हमारे जीवन कई
कई सारे टुकड़ों में बिखर गए हैं। परमेश्वर के वचन का संगठनात्मक प्रभाव इसे दोबारा एकत्र करता है। फिर आगे कहा गया है कि परमेश्वर के नियम विश्वास योग्य है, वह साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देता है। दूसरे शब्दों में मुझे जीवन को परिचालित करने के लिए ज्ञान मिलता है, मेरे कदम दृढ़ निश्चित हो सकते हैं। फिर कहता है कि परमेश्वर के उपदेश सिद्ध और हृदय को आनंदित करने वाला है। मतलब यह पुस्तक हजारों साल पहले लिखी गई और मैंने इसे शुरू से अंत तक 45 बार पढ़ा। कोई दूसरी किताब मैंने इतनी बार नहीं पढ़ी और मुझे अभी भी इससे खुशी मिलती है क्योंकि वे सही है। और फिर कहता है कि परमेश्वर की आज्ञा निर्मल है और वो आंखों में ज्योति ले आती है। जब आप अंधेरे में चल रहे होते हैं तो हमें किसी और चीज से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है और परमेश्वर का वचन एक दीपक है, ये एक प्रकाश है। और फिर उसने कहा कि परमेश्वर का भय जो कि परमेश्वर के नियम का पर्याय है पवित्र है और वह अनंतकाल तक स्थिर रहता है। यह हमारे जीवन में स्थिरता और शुद्धता लाता है जीवन की कई सारी अस्थिर चीजों के बीच। और फिर अंत तक कहता है वह मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। यह कुछ ऐसा है जिसके प्रति आप एक चाहत विकसित करते हैं। और फिर अन्य वचन आपके कानों में संगीत की तरह है। तो ये 6 चीजों जो परमेश्वर के विधियों को मुझे पसंद है। अभी हम ब्रेक लेने वाले हैं लेकिन एक बार मैं कहना चाहता हूं और वो ये है, जैसे आप संसार में देखते हैं, संसार के परिवारों को देखते हैं, संसार के लोगों को आप देखते हैं, क्या आप ये कहेंगे कि आपके ज्यादातर दोस्तों का जीवन गड़बड़ी में है? उनकी समस्याएं हैं, उनमें संदेह है, उनमें डर है। तो आप गड़बड़ी में से कैसे बाहर आए अगर आप उसके एक भाग बन गए हैं? अगर आप गड़बड़ी में पड़े हैं और आप नहीं जानते कि कैसे अपने परिवार में शांति लेकर आ जाएं या फिर खुशी से जीते जाएं, इसे कैसे करें, तो मैं आपको सलाह दूं कि आप सबसे पहले यीशु पर विश्वास कीजिए और यीशु के अनुयायी हो जाइए और फिर इस बाइबल को खोलिए और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार करने लग जाइए और आप ये पाएंगे कि आप अपने जीवन के इन सारे भागों को एक साथ जोड़ते हैं और वो उसमें एकता लाएगा जो कि पूरी तरह से टूट चुका था और वो आपकी अगुवाई करेगा ऐसे मार्ग में जो आपके जीवन में आनंद लेकर आएगा। हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे लौट आने पर, तो बने रहिए। ठीक है, हम लौट आए। हम चर्चा कर रहे हैं सुंदर और श्यामला के साथ और जानते हैं हाल ही में भारत से कुछ लोग आए हैं और कुछ लोग पाकिस्तान से आए हैं जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया है और वो तो आनंद से भर गए, वो तो बहुत ही खुश हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं कि इसके आगे क्या होगा और वो जानते हैं कि बाइबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन सुंदर वो कह रहे हैं, मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है? आप व्यवहारिक सलाह दीजिए ऐसे विश्वासियों को जिन्होंने प्रभु को स्वीकार किया और जानना चाहते हैं कि बाइबल क्या है, इसके बारे में सबसे अच्छे तरीके से बताइए। ठीक है, सबसे पहले मुझे लगता है पहली बात ये समझना है कि बाइबल वास्तव में क्या है और इसके बारे में समझने की सबसे जरूरी बात यह है और हम इसे बार बार दोहराते हैं कि ये कोई वियोजित या असंगत नियमों का गुच्छा नहीं है जिसका पालन हमें किसी गुस्सैल परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए करना है ताकि किसी तरह हम स्वर्ग तक पहुंच सके। ये एक कहानी है, ये परमेश्वर की कहानी है और यह इस दुनिया में कार्यरत परमेश्वर की कहानी है जिसे स्वयं उन्हीं ने बनाया है और इसलिए जिस हिस्से को हम पुराना नियम कहते हैं उसमें आप कह सकते हैं कहानी के पहले 3 कार्य है। पहला कार्य सृजन है जब परमेश्वर ने हमारे चारों ओर की अद्भुत दुनिया को बनाया और बाइबल हमें बताती है कि स्वर्ग परमेश्वर की महिमा की घोषणा करता है। भजन 19:1, महिमा एक ऐसा शब्द है जिसे समझने का शायद हमारे पास कोई तरीका ही ना होता अगर हमने वह खूबसूरत सूर्यास्त नहीं देखा होता या उफनता हुआ तूफान नहीं देखा होता जिसमें बिजली गड़गड़ाकर कड़कते हुए एक ओर से दूसरी ओर जाती है, वह महिमा। और यहाँ हम एक संकेत पाते हैं कि परमेश्वर का भव्य प्रताप और उत्कृष्ट शोभा कैसी होगी। इसलिए उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की कि इसके जरिए उनकी महिमा प्रदर्शित हो। फिर उन्होंने मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया और इसका मतलब यह कि हम इस दुनिया में परमेश्वर के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की अनूठी क्षमता रखते हैं। इस सृष्टि पर इस तरह से शासन करने की परमेश्वर की महिमा हो और मानवता को लाभ पहुंचे, ये इस कहानी के प्रारंभिक भाग है। फिर कहानी के दूसरे भाग को पतन कहा जाता है। इन अद्भुत मनुष्यों ने जिसे परमेश्वर ने अपनी समानता और स्वरूप में सृजा कि वह उनकी ओर से इस सृष्टि पर शासन करे, निर्णय करते हैं कि वे खुद अपने ना मालिक बनेंगे और वे परमेश्वर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग करेंगे। और हमने समझाया कि वह पाप का सार था और इससे सारी दुनिया पूरी तरह गड़बड़ा चुकी है। संबंध पारक अराजकता है, आत्मिक अलगाव है, मनोवैज्ञानिक अलगाव है, व्यावसायिक अलगाव है और शारीरिक गिरावट है। बाइबल का 3रा अध्याय उन सभी चीजों का वर्णन करता है जो परमेश्वर के विरुद्ध हमारे विद्रोह के परिणाम स्वरूप होते हैं। फिर बाकी का पुराना नियम इस बात की कहानी है कि कैसे परमेश्वर ने एक जाति इसराइल को तैयार किया कि उसके जरिए यीशु इस संसार में आ सके, क्योंकि एक वही थे जो इस उलझी हुई
स्थिति को टेक कर सकते हैं। तो सृष्टि, पतन और इज़राइल परमेश्वर के निरंतर मनुष्यों का पीछा करने और उनके पुत्र को इस संसार में लाने के समायोजना की कहानी है पुराना नियम। और फिर हम कहानी के शीर्ष पर आते हैं जो कि चार सुसमाचार मत्ती, मरकुस, लूका और नए नियम में। हाँ, हम नए नियम में हैं। वे यीशु की कहानी पर के चार अलग अलग दृष्टिकोण हैं। चार विरोधाभासी कहानियां नहीं है, लेकिन वास्तव में वे कहानियां चार अलग अलग दृष्टिकोणों से बताई गई है। और मैं थोड़ी देर में उस पर वापस आऊंगा। और वह यीशु मसीह का जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान है जो सर्वोच्च है। हमने इस बारे में बात की कि कैसे क्रूस पर उनकी मृत्यु हमारे क्षमा का कारण बनी, और ये तथ्य कि कैसे वे मरे हुए में से उठे और जो उन्हें एक जीवित परमेश्वर बनाता है जिनका हम अनुसरण करते हैं। फिर है शेष नया नियम जो ये कहानी कहता है कि कैसे यीशु अपने शिष्यों को पूरे संसार में जाकर सुसमाचार सुनाने के लिए सशक्त करते हैं, और कैसे उन्होंने चर्च की स्थापना की जहां लोग प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। और फिर आखिर में प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है जहां वह यीशु फिर से शासन और शक्ति में वापस आ रहे हैं। यह बाइबल की पूरी कहानी है। और जानते हैं, हम सभी इस दुनिया में प्रेमपूर्ण कहानियों में पैदा हुए हैं। बच्चे कहानियों से प्यार करते हैं, और यह इस कारण है कि वे खुद को उस कहानी में देखते हैं, वे उस कहानी से जुड़ते हैं। और मैं लोगों को बाइबल पढ़ना शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, सबसे पहले नियमों के रूप में नहीं, बल्कि सृष्टि से लेकर यीशु के पहले आगमन से लेकर दूसरे आगमन की इस अद्भुत कहानी के रूप में। और देखिए, कहिए मेरी कहानी इसमें कहां से जुड़ती है, इस मानसिकता से मुझे लगता है उन्हें इसे पढ़ना चाहिए। तो आपका अगला सवाल था वे कहां से शुरू करेंगे। मेरा सुझाव यह है कि वे सुसमाचार, चार सुसमाचारों से शुरू करें। और मैं आपको संक्षेप में उनसे ये प्रत्येक के विषय बता दूं। प्रत्येक सुसमाचार अलग अलग लोगों के समूह के लिए लिखा गया था, जिसका अर्थ हर कोई, चाहे आप कहीं भी हो, किसी भी धार्मिक पृष्ठभूमि में हो, आपकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि, हाँ, चाहे जो हो, आप कहीं ना कहीं से तो जुड़ाव महसूस करेंगे। मत्ती ने खासकर यहूदी पृष्ठभूमि के लोगों को ध्यान में रखकर सुसमाचार लिखा कि वह समझ सके कि कैसे यीशु हजारों वर्ष पूर्व की गई भविष्यवाणी की पूर्ति है। और स्वयं यीशु ने कई बार अपने जीवन काल में यह कहा था कि वचन पूर्ण हो, ताकि वचन पूर्ण हो जाए। यानी पुराने नियम में जो पढ़ा मत्ती कह रहा था, ये वही है, यही पूरा हो रहा है। हाँ, ये सब कुछ यीशु के रूप में सामने आया, इसीलिए उन्हें पूरी कहानी जानने की जरूरत है। फिर मरकुस ने मुख्य रूप से रोम के परिप्रेक्ष्य से लिखा था। उन्होंने शायद रोम में एक छोटे से चर्च के लिए लिखा था, और रोम उस समय प्रख्यात था, रोम के पास सैन्य शक्ति थी। और मरकुस ने यीशु को राजा के रूप में नहीं, बल्कि सेवक के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि यीशु हमें सेवा करने के लिए बुला रहे, लड़ने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सेवा करने के लिए, यहां तक कि कठोर शासकों की भी, यीशु के नाम से उनकी सेवा करने के लिए। फिर लूका मुख्य रूप से दर्शकों को ध्यान में रखकर अपना सुसमाचार लिखते हैं, क्योंकि यूनानियों ने मानव रूप का एक बड़ा देवता बना दिया था, वे मानव रूप की पूजा करते थे, और इसलिए उन्होंने यीशु को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया। और आखिरकार यूहन्ना ने यीशु के जीवन, मृत्यु और पुनरुत्थान का अर्थ क्या है, इस पर एक धार्मिक प्रतिबिंब प्रस्तुत किया। और इसलिए आपको उन सभी चार को पढ़ने की जरूरत है, और मैं कहूंगा उन्हें इस दुनिया में यीशु के आने, उनकी जिंदगी, उनकी शिक्षाओं, उनका पीड़ा सहना, उनकी मृत्यु, पुनरुत्थान, उनके उठाए जाने और उनके वापस आने के वादे की अच्छी समझ प्राप्त करने के लिए पढ़े। शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। जी, जानते हैं संसार में बहुत से आस्थाएं हैं और वो यीशु के बारे में कुछ न कुछ बताना चाहते हैं। देखिए, भारत में लगभग 2025 के समय तक वहां पर 350 अविश्वासी लोग होंगे। और जब भी मैं ऐसे अविश्वासियों से भारत में बात करता हूँ या अरब में बात करता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि आप यीशु के बारे में जानते हैं, ईसा के बारे में जानते हैं? वो कहते हैं हाँ, वो हमारा आदरणीय भविष्यवक्ता है। मैं कहता हूँ कि आपने उसके बारे में कभी कुछ पढ़ा है? वो कहते नहीं। तो मैं कहता ठीक है कि आप इंजील यानी सुसमाचार पढ़ना चाहते हैं, हाँ, लेकिन उनके पास ये नहीं है। मैं कह रहा हूँ हम बता सकते हैं, कह सकते ये चार सुसमाचार हैं, अगर पढ़ सकते हैं तो इसे पढ़िए। संसार में लगभग 50% जो लोग हैं वो तो अनपढ़ लोग हैं, मतलब अपनी भाषा नहीं पढ़ सकते हैं। और हमने क्या किया हमारी वेबसाइट में यानी jashow.org में, और हमने यहाँ पर बाइबल को संसार की 1000 भाषाओं में रखा है, और वो हमारे इस वेबसाइट पे जा सकते हैं और अपनी भाषा को इसमें से चुन सकते हैं और वो इसे देख सकते हैं। अगर वो अविश्वासी इंजील में जाकर देख सकते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, और वो पढ़ सकते हैं कि उनके खुद के आदरणीय भविष्यवक्ता ने क्या कहा। और यदि अगर आप भारत में हैं और आप नहीं पढ़ सकते हैं हिंदी, तेलुगु, तमिल या कोई भी भाषा, लेकिन आप इसे समझ सकते हैं, तो फिर से हमारी वेबसाइट पर जाइए jashow.org पर और अपनी भाषा चुन लीजिए और एक बटन दबाइए और ये आपके लिए आपकी भाषा में पढ़ा जाएगा। और इसका एक बड़ा फायदा है, क्योंकि याद रखें हमने पहले इस बारे में बात की थी, श्याम ने बताया था कि कैसे शब्द वास्तव में एक आवाज है। पढ़ने के नुकसान में से एक यह है कि वास्तव में हम ये विचार खो देते हैं कि एक आवाज़ है। और इसलिए अगर रेडियो सुनना संभव है, मैं कहूंगा भले ही आप पढ़ भी सकते हो तो भी ऐसा करें, सुनने का प्रयास करें। आप जानेंगे कि यह परमेश्वर का आवाज़ है जो आपसे बात कर रही है। और देखिए, 10 बिलियन स्मार्टफोन इस संसार में होंगे बस 3 साल में,
अभी 7 बिलियन से भी ज़्यादा हैं, यानी जो अभी हमें सुन रहे हैं, चाहे आप पढ़े या न पढ़े, आपके पास स्मार्टफोन है, बस आप इस अपने ऐप स्टोर में जाइए और वहाँ पर टाइप कीजिए द जॉन एंकरबर्ग शो, तो आप हमारी ऐप को देख पाएंगे। ये ऐप डाउनलोड कीजिए, ये तो मुफ्त में है। यहाँ पर एक जगह पर बाइबल बताई गई है और फिर से आप इस ऐप में अपनी भाषा का चुनाव कर सकते हैं और बस बटन दबाइए और ये आपके लिए पढ़ी जाएगी। चाहे आप ट्रेन में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं या आप लंच ब्रेक कर रहे हैं या जहाँ भी हो, और आप सुन सकते हैं कि यीशु ने क्या कहा, जैसे श्यामला ने अभी कहा, और साथ में बाइबल के दूसरे भागों को आप सुन सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस बात को मन में रखिए। खैर, एक अच्छी बात है जो आपके जीवन में तब आई जब आपने बाइबल पढ़ना शुरू किया, बताइए श्यामला। जैसा कि मैंने कहा था, मेरे लिए बदलाव का कारण रहा एक व्यक्ति जिनका नाम है यूजिन पीटरसन, जिनकी बातों ने वास्तव में एक कुंजी की तरह काम किया। जब वो ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वचन परमेश्वर की आवाज़ है, और जब आपने पहले मुझसे पूछा कि इसे क्यों पढ़ना चाहिए, तो जानते एक चीज़ उन्होंने कही, हम इतनी सारी आवाज़ें सुनते हैं, कुछ कहते हैं ऐसा करो, कुछ कहते हैं वैसा करो, उस व्यक्ति की आवाज़ जो सही है और हमें सही मार्गदर्शन दे सकता है, वो कहते हैं जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूँगा, ये परमेश्वर है, और इसलिए मेरे लिए अंततः ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मेरे कहने का ये मतलब है, आप जानते हैं कई आवाज़ों को सुनने के बावजूद मैं जानना चाहूँगी परमेश्वर आप क्या कहना चाहते हैं, कह रहे हैं। हम गलती करते हैं क्योंकि हम वचन नहीं जानते, ना ही परमेश्वर की शक्ति को, और ये ऐसा कुछ नहीं है जो मैं अब करती हूँ क्योंकि मुझे करना है, ये ऐसा कुछ है जिसे मैं करना चाहती हूँ क्योंकि ये मुझे आधार देता है, ये मुझे परिस्थितियों पर, मेरे रिश्तों पर, मेरे जीवन पर, और मैं वहाँ से उठती हूँ उनकी आवाज़ सुनकर, और ये एक आवाज़ है जो मुझे प्यार करता है, मेरी परवाह करता है, जो मार्ग उन्होंने मेरे लिए तैयार किया है मैं उसमें चलूं, क्योंकि ये मुझे उस जीवन की ओर ले जाता है जिसकी ख्वाहिश उन्होंने मेरे लिए रखी थी। तो दोस्तों, हम बाइबल के बारे में और भी चर्चा करेंगे, और अगली बार हम चर्चा करने वाले हैं प्रार्थना पर। परमेश्वर हमसे बातें करता है अपने वचन के द्वारा, लेकिन क्या आप जानते हैं वो आपको न्योता देता है कि आप आकर उससे बातें करें और वो आपकी सुनेगा और प्रार्थना का जवाब देगा। तो अगली बार इस पर चर्चा करेंगे, तो आप जरूर हमारे साथ जुड़ जाइए। कोई मायने नहीं रखता आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, यीशु आपको उसके पीछे चलने के लिए अद्भुत न्योता देता है। वो वायदा करता है कि आपके पाप क्षमा करेगा, आपको भीतर से बदल देने के लिए, आपको आनंद से भर देगा जब आप उसके पीछे चलेंगे। तो आप अपना संबंध यीशु के साथ कैसे बनाएंगे और आपका प्रतिदिन उसके साथ चलना किस तरह से दिखेगा, ये फ्री 40 लेसन्स का डिसाइपलशिप कोर्स। हमारे खास मेहमान हैं सुंदर और श्यामला कृष्णन, कदम कदम पर आपकी अगुवाई करेंगे और बताएंगे यीशु के पीछे चलना क्या है। दोनों इंडिया में पले बड़े हैं और दोनों एटॉनिक एनर्जी के लिए काम करते थे कनाडा में। कलीबर्ग और मेरे साथ में दो बहुत ही अद्भुत मेहमान हैं सुंदर और श्यामला कृष्णन। तेलुगु में ना कंटे 9 సంవత్సరాల చిన్నవాడు కానీ నాకు తమ్ముడు ఉన్నాడు అంటే నా చిన్నమ్మకు నా తర్వాత 6 నెలలకే అబ్బాయి. తమిళ్ మే ఉంగ్లకే తెలియం అది ఒక స్వారస్యమైనది. ఎంగ పక్కత వీక్ల ఇరుకవంగ సభకి పోన మదిరే నాంగు. రష్యా మే ఎస్ట్ ఇష్యు одно обетование, о котором я хочу рассказать вам. Библия говорит: всякий это вы, это я, когда обратился к Богу. Or Ukrainian me. Ось чим буде мене хрест, але тепер я почував те, що він помер за мої гріхи, щоб визволити мене від провини. І це було дивовижно. Я досі пам'ятаю. Humne translation shuru kiya hai Finnish me bhi, Albania me aur Portuguese me. Bahut si bhashaon mein karenge. Chahe aap naye vishwasi hain या फिर कम समय से यीशु के पीछे चलते आ रहे हैं, ये कोर्स आपको यीशु के साथ चलने में मदद करेगा। आप इसे अपने लिए उपयोग करें या छोटे से ग्रुप में या फिर दोस्तों में। और फिर से आप केवल JA शो ऐप पर जाएं और टैप करें डिसाइपलशिप कोर्सेज, और ऑनलाइन जाएं JABible.org पर चेक करने के लिए।